Alright everyone, FL Studio 21 या फिर 25 बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके जो टॉप अपडेट्स हैं, जिसमें से काफी कुछ बहुत खिला देने वाला है, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि और कौन से फीचर्स हैं जो मैं अपकमिंग जो वर्शंस हैं FL Studio के उसमें मैं देखना चाहूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is Roy from Studio 9 और मेरे पास आ चुका है FL Studios 21 का जो बीटा वर्जन है that one, और आज हम लोग इसका जो मेजर अपडेट्स हैं उसको लेके डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये डाउनलोड करते हैं तो मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा कि आपका जो एक्चुअल FL Studio 20 वर्जन है या फिर कोई भी वर्जन है उसके साथ ये ओवरराइट मत करिए, क्योंकि दिस इज़ इन द बीटा टेस्टिंग फेज नाउ। सबसे पहले जब डेवलपमेंट होती है, जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके बाद सबसे पहले उसको यूनिट टेस्ट किया जाता है, फिर इंटीग्रेशन टेस्ट, फिर सिस्टम टेस्ट, फिर अल्फा टेस्ट और फिर जाके बीटा टेस्टिंग, जहां पे जो एक्चुअल यूजर्स हैं वो इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, जैसे कि आप और मैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं इमेज लाइन को। इसमें अभी भी काफ़ी सारे बग्स हैं, कई बार ये क्रैश हो सकता है, तो इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग इट, आपका जो एक्चुअल FL Studio है उसको आप ओवरराइट मत करिए। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द अपडेट्स। सबसे पहले जो मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा यहाँ पे, दैट इज फेड्स एंड क्रॉस फेड्स। दिस इज अ डेमो प्रोजेक्ट व्हिच इज प्लेइंग इन FL Studio राइट नाउ। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक फेड लगा रखा है। अगर आप चाहते हैं इसको आप ऐसे छोटा कर सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे एक फेड का ऑप्शन आ चुका है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ देन आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, जिसके साथ आप बहुत आसानी से फेड इन फेड आउट कर सकते हैं। ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि क्यूबेस, स्टूडियो वन, सारे सॉफ्टवेयर में ये पहले से था, FL Studio में ये नहीं था। ये आप कर सकते थे थ्रू ऑटोमेशन क्लिप, दैट वाज टीडियस। राइट नाउ यू हैव इट जस्ट लाइक द अदर सॉफ्टवेयर्स। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप स्मूथ कर्व या फिर सिंगल कर्व कर सकते हैं ताकि ये स्ट्रेट लाइन बन जाए। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे टाइप इन वैल्यू कर सकते हैं। यही चीज अगर आप इसको ओवरलैप करते हैं, मान लीजिए इसको मैं ऐसे ओवरलैप करता हूं, अभी देखिए यहां पे इट्स स्टार्टिंग टू क्रॉस फेड, व्हिच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। बाकी सारे जो सॉफ्टवेयर हैं जहां पे ऑडियो स्पेसिफिक, खास करके जो ऑडियो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पे ज्यादातर ऑडियो स्पेसिफिक प्रोडक्शन होते हैं, वहां पे ये बहुत पहले से था, लेकिन FL Studio में फाइनली वी हैव इट हियर। सो FL Studio इज मूविंग मच मोर टुवर्ड्स ऑडियो। आपका जो यहाँ पे क्रॉस फेड का जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं कर्व टाइप। सो दैट वाज फेड्स एंड क्रॉस फेड। देन द मैसिव चेंज व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, दैट इज द क्लिप गेन फीचर। ये सारे सॉफ्टवेयर्स में पहले से था, स्टूडियो वन, क्यूबेस, लॉजिक प्रो या फिर आप एबल्टन लाइव का बात कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेन स्टेजिंग। आप सैंपल में डबल क्लिक करके यहां से आप उसका जो प्री गेन है उसको आप कम कर सकते थे, लेकिन नाउ यू हैव इट जस्ट लाइक द अदर सॉफ्टवेयर्स। यहाँ पे अगर आप इसको नीचे लेके जाते हैं या ऊपर लेके जाते हैं, यू कैन सी द डिफरेंस इन द डीबी। अगर आपका कोई भी ऑडियो क्लिप्स का गेन प्रॉपर नहीं है या फिर कुछ ऑडियो क्लिप्स के कुछ कुछ जगह बहुत बड़ा है, बहुत लाउड है और कुछ जगह बहुत सॉफ्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू मैच द गेन फर्स्ट। तो यहाँ पे आप अभी बहुत ईजिली गेन स्टेजिंग कर सकते हैं, विच इज ह्यूज। नेक्स्ट वी हैव जीरो क्रॉसिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं तो आपको ज्यादा ये चाहिए नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऑडियो बेस्ड प्रोडक्शन करते हैं तो जीरो क्रॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो क्रॉसिंग अगर आप एनेबल कर देते हैं तो ये आपके जितने सारे अभी यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहे हैं वो जीरो क्रॉसिंग पे होगा, ताकि हम इंश्योर कर पाए कि कभी भी हम लोग कोई भी ऑडियो फाइल को एब्रप्टली कट ना कर दे, ताकि उसमें क्लिक या ग्लिचेस आ जाए। दिस वॉज अबाउट द ऑडियो पार्ट विच इज वेरी वेरी ह्यूज। देन वी हैव चेंजेस इन द ब्राउजर। सो ब्राउजर में अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप टैग्स डाल सकते हैं। मान लीजिए पहले जो सर्च था यहाँ से सर्च करना पड़ता था, नाउ यू हैव द टैग्स एंड यू कैन सर्च फ्रॉम हियर। सपोज मैं यहाँ पे ढूंढने वाला हूँ तबला, सो आई विल जस्ट ओके यू सी ग्रेट। अभी देखिए यहाँ पे और एक चीज इंट्रोड्यूस हुआ है, विच इज द सैंपल प्रीव्यू। इसको आप स्टॉप कर सकते हैं, इसको आप यहां से प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको बीच में से प्ले कर सकते हैं,
कंट्रोल क्लिक। अभी अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी एक चीज बहुत ज्यादा आप उसको यूज कर रहे हैं, कोई भी एक सैंपल है, कोई भी एक फोल्डर है, उसको आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आप उसको टैग दे सकते हैं। मान लीजिए ये जो 808 है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे नया टैग ऐड कर सकते हैं, नया टैग आप क्रिएट कर सकते हैं ऐड टैग करके, और उस टैग को आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको आप फेवरेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए फेवरेट अगर मैं ऑन कर देता हूँ, सो दिस इज़ नाउ फेवरेटेड। और यहाँ पे अगर आप टैग्स में जाते हैं तो आपके जितने सारे फेवरेट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सो दिस इज शोइंग एज माई फेवरेट। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने इसको कलर कोड रख कर रखा है, दिस इज द इंडियन लूप्स। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ इंडियन मेलोडिक में, और सपोज आई विल गो टू सितार, आई विल गो टू आलाप, आई विल गो टू मेजर स्केल्स एंड लेट्स प्ले दिन। सो इफ आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम दिस पार्ट, वाओ। सो दिस आर द चेंजेस इन द ब्राउजर। देन वी हैव द न्यू प्लगइन्स। यहाँ पे एक प्लगइन नया ऐड हो चुका है, विच इज मल्टी बैंड डिले। सो मल्टी बैंड डिले में क्या होगा कि यहाँ पे जो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 किलोहर्ट्ज़, उसको हम 16 बैंड में डिवाइड करेंगे। ईच बैंड के लिए आप डिफरेंट डिले ऐड कर सकते हैं। ये जो डिफरेंट डिले होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट हो सकता है, इसका पैनिंग डिफरेंट हो सकता है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आप पार्टली चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका अगर कोई वोकल फाइल है, उसमें से आप डिले सेट कर सकते हैं ताकि उस वोकल का एक पार्ट फ्रीक्वेंसी का जो डिले है वो आप सुन सकते हैं, लेफ्ट या राइट में सुन सकते हैं, और कम ज़्यादा वॉल्यूम में सुन सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे चेंजेस होंगे, कुछ कुछ छोटा छोटा चेंजेस हैं, जैसे कि आप अगर आप चाहते हैं अभी बहुत फ्रिक्वेंटली आप फाइल को ऑटो सेव कर सकते हैं, सो वेरी फ्रिक्वेंटली एवरी मिनट एंड बिफोर रिस्की ऑपरेशन, तो ईच मिनट आपका जो बैकअप है वो सेव होता रहेगा ऑटोमेटिकली, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है तो। और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आई विल लाइक टू सी इन द अपकमिंग वर्जन्स ऑफ एफएल स्टूडियो। इनमें से बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि कोई भी स्टूडियो वन में जो कॉर्ड ट्रैक हैं या फिर क्यूबिस में जो कॉर्ड ट्रैक हैं, इसके जैसा कोई भी टूल अभी भी एफएल स्टूडियो में नहीं है। वी हैव द स्टैम्प टूल, दो स्टैम्प टूल के साथ आप इजिली कॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन समथिंग लाइक कॉर्ड ट्रैक विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर बिगिनर्स, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। मिक्सर स्नैपशॉट्स, अगर आप क्यूबेस में जाते हैं, स्टूडियो वन में जाते हैं, वहाँ पे मिक्सर स्नैपशॉट्स का जो ऑप्शन है, वहाँ पे सारा जो मिक्सर का जो कोई भी स्टेट, आप 3-4 मिक्स को एबी टेस्ट कर सकते हैं, दैट वी डू नॉट हैव स्टिल इन एफएल स्टूडियो। और यहाँ पे मुझे ऐसा कई बार फील हुआ है कि ये जो यहाँ पे हम लोग जनरली जो ट्रैक मोड को असाइन करते हैं, वी शुड हैव समथिंग सो दैट ये ऑटोमेटिकली हो जाए, ये हम लोग को मैनुअली नहीं करना पड़े, जो कि बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स में हैं, जहाँ पे जो ट्रैक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक्स हैं, वो फिक्स्ड होता है और मिक्सर ट्रैक्स के साथ उसको लिंक नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे वो आपको करना पड़ता है। सो दैट्स वाई मैनी मिक्सिंग इंजीनियर्स, दे डोंट प्रेफर एफएल स्टूडियो फॉर मिक्सिंग। अगर आप EDM प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एफएल स्टूडियो वेरी गुड प्रोडक्शन एनवायरमेंट, बट इट्स नॉट अ वेरी गुड एनवायरमेंट फॉर मिक्सिंग। दैट इज द वन ऑफ द टॉप क्रिटिसिज्म ऑफ एफएल स्टूडियो। आपको क्या लगता है, आप ऐसे और कौन से फीचर्स हैं जो आप एफएल स्टूडियो में ऐड करना चाहते हैं? अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं इमेज लाइन को कि क्या क्या आप ऐड करना चाहते हैं एफएल स्टूडियो में, जरूर आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए, तो मुझे भी पता चलेगा कि कैसे एफएल स्टूडियो और बेटर हो सकता है। सो दैट वॉज अबाउट द एफएल स्टूडियो 21। कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसका नाम 25 भी होने हो सकता है, क्योंकि इमेज लाइन का भी 25th एनिवर्सरी आने वाला है। अगर आपको इसके बारे में और अपडेट्स चाहिए, डू फॉलो माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को चेकआउट करना मत भूलिए। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टूडियो वन, एफएल स्टूडियो, क्यूबेस, VST, फ्री VST के ऊपर कई सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको कोर्सेस करना है तो चेक करना मत भूलिए studio9music.com/S9courses। S9 Academy पेज में अगर आप जाते हैं, कोर्स रिलेटेड जितने सारे डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस नाइन स्टोर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री लूप्स, सैंपल पैक्स, वेब फाइल्स, मिडी लूप्स आपको मिलने वाला है, सो डू चेक इट आउट। टाटा एंड कीप प्रोड्यूसिंग।